तो इस वीडियो में अंडर 25,000 बेस्ट कैमरा फोन के बारे में बात करेंगे। दो कंटेंडर है अपने पास, एक्चुअल में तीन है। तो एक वीवो T1 प्रो आता है जो अपने पास है, एंड IQ Z6 Pro, दोनों सेम आते हैं, गंगाधरी शक्तिमान है, कुछ अलग नहीं है ब्रांडिंग को छोड़ के, एंड रियलमी का 9 Pro Plus। तो अंडर 25,000 ये तीनों फोन्स आते हैं। ऑफर में आपको 20 का भी मिला हुआ है रियलमी 9 Pro Plus, जो बिग 7 डेज आया था, लास्ट जो सेल आया था फ्लिपकार्ट में। एंड IQ वाला जो है आपको 20,000 का मिल जाता है अमेज़न में ऑफ़र के साथ, एंड वीवो T1 Pro आपको 21 के आसपास का मिल जाता है ऑफ़र के साथ। तो अंडर 25,000 है, तो जो इनका एक्चुअल प्राइस है उस हिसाब से ही कंपेयर कर रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप बेस्ट कैमरा फ़ोन ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। तो अगर मैं कैमरा स्पेक्स की बात करूँ ना, तो रियलमी 9 Pro Plus OIS के साथ आता है, सोनी का IMX766 वाला 50 MP का फ्लैगशिप लेवल सेंसर। ये Note 2 में भी यूज़ हुआ था, ये OnePlus 9 RT में भी आपको ये सेंसर देखने के लिए मिलता है। 8 MP का आपको सोनी का अल्ट्रा वाइड देखने के लिए मिलता है, जो कि अच्छा था नॉर्मल दूसरे किसी अल्ट्रा वाइड से, जितना मैंने चेक किया हुआ है। 2 MP का मैक्रो है, एंड 16 MP का वही पुराना सोनी IMX471। ये जितना भी मैंने बोला ये रियलमी 9 Pro Plus के लिए। IQ एंड वीवो का क्योंकि बिल्कुल सेम है, तो एक ही बार बताता हूँ। 64 MP का ओमनी विजन देखने के लिए मिलता है, 8 MP अल्ट्रा वाइड, 2 MP का मैक्रो, 16 MP फ्रंट। बट ओमनी विजन है तो आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन वीवो ने बहुत बढ़िया करके दिया हुआ है। तो डे टाइम इमेजेस एंड इवन लो लाइट इमेजेस में बहुत बढ़िया निकाल के लाता है, बट नाइट इमेजेस में ये बीट हो जाता है रियलमी 9 Pro Plus, क्योंकि OIS के साथ आता है। जो डिटेलिंग एंड जो लाइट कैप्चर वो करते हैं ना, उस लेवल की ये नहीं कर पाता, इवन डिटेलिंग इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है। एकदम अगर एकदम डार्क कंडीशन में फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं तो वहाँ पर तो डेफिनेटली वो जीत जाता है रियलमी 9 Pro Plus। बट अगर डे टाइम इमेजेस इवन आर्टिफिशियल लाइटिंग में, या आप थोड़ा सा लो लाइट इमेजेस अगर लेते हैं ना, तो ये बहुत बढ़िया भाई ऑप्टिमाइजेशन करके दी हुई है वीवो एंड IQ वालों ने, तो वहाँ पर तो ये डेफिनेटली टक्कर का है। बट जीतता ये कहाँ पर है, जीतता ये फ्रंट कैमरा पे। 16 MP का पता नहीं कौन सा सेंसर है, बट जो ऑप्टिमाइजेशन है ना भाई, आप पोर्ट्रेट्स ले लो या नॉर्मल सेल्फीज ले लो या लो लाइट इमेजेस में ले लो, आर्टिफिशियल ले लो, इवन नाइट मोड भी मिलता है सेल्फी के लिए, तो बहुत ही बढ़िया ऑप्टिमाइजेशन करके दी हुई है। एंड ये क्लियरली बीट करता है रियलमी 9 Pro Plus को फ्रंट कैमरा के मामले में। तो आप अगर ऐसे जो बंदे हैं जो कि फ्रंट कैमरा को बहुत ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंस है, फ्रंट से सेल्फीज ज़्यादा लेते हैं एंड कैमरा के लिए फ़ोन परचेस करना चाहते हैं अंडर 25,000, आई थिंक वीवो या IQ का Z6 Pro आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो 20,000 का मिलता है तो डेफिनेटली उठाइए। एंड ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया देखने के लिए मिलता है, बहुत ही बढ़िया, अबव एवरेज नहीं बोल सकते हैं, गुड मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पर वीवो और IQ को, क्योंकि ओवरऑल जो अगर फ्रंट कैमरा को भी मैं लेता हूँ, क्योंकि फ्रंट कैमरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो वहाँ से आई थिंक वीवो एंड IQ मेरे लिए विनर है। बट रियलमी 9 Pro Plus को भी हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसका बैक कैमरा अगर नाइट मोड वगैरह OIS वगैरह आप कंसिडर करते हैं तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया डील है। अगर आप परफॉर्मेंस को कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 778G मिलता है वीवो एंड IQ में, वेयरएज रियलमी 9 Pro Plus में आपको क्या मिलता है, डायमेंसिटी का 920 मिलता है, जो कि फिर से हल्के में नहीं ले सकते हैं, बहुत बढ़िया प्रोसेसर है, टक्कर का है। बट अगर रॉ CPU परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो ये बेटर आपको देखने के लिए मिलेगा, स्नैपड्रैगन 778, स्टेबिलिटी बेटर है। अगर आप CPU थ्रॉडलिंग करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत बेटर स्टेबिलिटी देखने के लिए मिलती है, एंड स्कोर भी ज़्यादा है, एंड रियल लाइफ परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया ही देखने के लिए मिलता है। इसकी बैटरी की जो बैकअप है वो बहुत ही बढ़िया है, इससे अगर बैटरी बैकअप कंपेयर करेंगे रियलमी का, तो आपको बहुत बढ़िया देखने के लिए मिलता है। रियलमी डेफिनेटली बैटरी बैकअप के मामले में हार जाएगा, पर चार्जिंग स्पीड दोनों की ऑलमोस्ट सेम आपको देखने के लिए मिल जाएगी। एंड गेमिंग परफॉर्मेंस मैं 920 का प्रेफर करता हूँ, मेरे को पता नहीं क्यों BGMI में Dimensity 920 हमेशा बेटर लगता है। एंड अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर प्लास्टिक का बिल्ड आता है पूरा, एंड रियलमी वाले में आपको ग्लास बिल्ड मिलता है, वहाँ पर आपको जो है फोटोक्रोमेटिक ग्लास वगैरह जो कि जो है चमकता है, कलर चेंज कर सकता है, तो वो सारा कुछ देखने के लिए मिलता है। एंड गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है, यहाँ पर स्कॉट सेंसेशन या पांडा ग्लास देखने के लिए मिलता है फ्रंट में, एंड पीछे में तो प्लास्टिक ही है, बट बहुत बढ़िया डिज़ाइन मेरे को लगा, हल्का फ़ोन है, हैंडी फ़ोन है, 6.43 इंच का यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, वहाँ पर भी वही सेम है। एंड बहुत पतला चिन है, रियलमी वाला लेंगे तो बहुत मोटा चिन देखने के लिए मिलता है। डिस्प्ले वगैरह सेम है, 90Hz का पैनल है, एमोलेड है। एंड अगर मैं कंपेयर करने जाऊँगा ना, तो रियलमी से बेटर पैनल मेरे को ये IQ वाला या वीवो वाला देखने के लिए मिलता है, तो मेरे को इसका पैनल बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब सॉफ्टवेयर वो आपकी पसंद है, रियलमी वाला ये वाला लेंगे तो इस बार रियलमी वाला आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 12 के साथ आता है, रियलमी UI 3.0 के साथ, बट वहाँ पर बहुत सारा बग्स एंड वहाँ पर दिक्कतें हैं कुछ, जो कि मैं ऑलरेडी अपने फुल रिव्यू में बता चुका हूँ। तो अगर बेस्ट कैमरा फ़ोन आप ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली रियलमी वाला लेना है तो ले सकते हैं, क्योंकि फ्लैगशिप लेवल सेंसर के साथ तो आता है। बट अगर फ्रंट कैमरा
इमेजेस ज़्यादा लेते हैं, आई थिंक मेरे आपको जो है IQ या वीवो के साथ जाना चाहिए। तो ये मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता था। तो अगर थोड़ा बहुत हेल्प किया रहेगा ये वाला वीडियो आपको डिसीजन मेकिंग में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इतना ही था यार, इसके बारे में डिटेल में और भी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक देखते रहिए।